वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। बट सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। तलहा की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि क्या मतलब ख्वातीन ही ब्यूटी की वो हैं कि हमें नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी बहुत हसीन और बड़े प्यारे नज़र आएँ। और मर्द हज़रात ऑफकोर्स जब मियाँ बीवी चल रहे होते हैं तो ऑफकोर्स उसका भी एक ग्लैमर होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही तो मूवीज़ नहीं देखते, हीरो जैसे होने चाहिए। तो आप लोग हीरो जैसे होने चाहिए, आपके स्किन के पोर्स ओपन नहीं होने चाहिए, ब्लैक। हम लोग जो ड्रामे देखते हैं यहाँ पे ब्लैकनेस है, नेक पे ब्लैकनेस है। यार बाइक चलाना है, डजंट मैटर, आपके पास बाइक है तो डजंट, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अपनी खूबसूरती को, अगर ख्वातीन खूबसूरती की बात करें तो वो किचन में ना जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किचन में भी हम लोग जाते हैं लेकिन हम अपनी खूबसूरती को मेनटेन करते हैं। तो आपको भी मेनटेन करना है। हमारे दरमियान कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद करेंगे तो मेरी आवाज आपको क्लियर आएगी। जी मैंने बंद कर दिया। गुड, हो गया। आपका नाम क्या है? सर नाम सैफुर रहमान है, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। ओके, सैफुर रहमान गुजरावाला से। आपका गुजरावाला कैसा है ये बताएं? गुजरावाला बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीबॉडी जिंदाबाद। अच्छा जी, क्या पूछना है आपने? पूछना ये है कि मेरी वाइफ उनको ना आइस के नीचे जो है कुछ जाहिर निशानात कहते हैं उसको, लेडीज को जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी क्या कह सकते हैं उसको आप, ताक दबे जैसे भी सूरत आ रहा है ना, तो आप, वो आपकी वालदा को, आपकी वालदा को आंखों के नीचे कोई प्रॉब्लम है, सोजन है, निशान है, दाग है, क्या है? ये डार्क सर्कल। नहीं, सोजन भी हो जाती है, उसके अलावा जो है ना दाग शाग भी है, खांसी भी है, इस तरह की। अच्छा, डॉक्टर के पास कभी लेके गए आप? नहीं, उनको नहीं, डॉक्टर के पास कभी नहीं लेके गई, तो आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, मैंने कहा चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएं उनको ये जो प्रॉब्लम है कितने टाइम से और उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र जो है ना तकरीबन 37 है। आपकी वालदा की? वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, आपको वालदा समझ आई? मुझे तो मैंने कहा यार बंदा तो अच्छा खासा लग रहा है मुझे ये वाइफ। लेट्स सी, कोई बात है, आपकी वाइफ को ये प्रॉब्लम है? मुझे ऐसे आवाज आई थी। 82 है। नहीं नहीं, उनका नहीं, मैं पूछ रही आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है, और उनको ये कभी आपने डॉक्टर के पास नहीं लेके गए और ये काफी टाइम से इनको ये प्रॉब्लम है, डाइट का ना, वो गोल्डन पर ज्यादा यूज कर रही है। अच्छा, या डॉक्टर कुछ पूछना चाहती है? डॉक्टर नौरीन, ये कैमरा है जानी। ओके, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि लाइक बॉडी स्ट्रक्चर वाइज कैसी है, लाइक थोड़ी बल्की है या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर है, या सिर्फ लाइक फेस में पफनेस तो नहीं है? जी नहीं। अच्छा, फेस जो है पतला है या चौड़ा है? बस गोल से और सेट मन में। अच्छा ठीक है, चले हम इसका आंसर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी अब बताएं, ये जो मेरे भाई ने अपनी वाइफ के बारे में उनके पूछा कि डार्कनेस है, क्या आप समझते हैं उनको? अच्छा, डार्कनेस भी है और दूसरा जो है पफनेस भी है। तो अभी इन्होंने भी ये एक चीज मैंने अभी पूछी उनसे कि फेस स्ट्रक्चर क्या है ना, बेसिकली ये होता है कि समटाइम्स वाटर रिटेंशन भी हो सकती है। ओके, ठीक है, और समटाइम्स ये होता है कि आपके अंडर आई जो है फैट डिपोजिशन हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, जिसकी वजह से ये चीज फूल जाती है, फिर आप चाहे आई क्रीम्स लगा लें या आप टोटके कर लें, आप जो भी कर लें, वो बगैर सर्जिकल प्रोसीजर के नहीं जाता, वो यहाँ पे कट लगा के उनकी फैट रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो उनकी आईज जो है वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर। लेकिन मैं तो ये कहूंगी पहले वो अभी वो डॉक्टर के पास नहीं गए ना, अभी वो गए हैं, और दूसरा हमारे सामने पेशेंट है, जब तक सामने नहीं होता ना हम कुछ बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि आपको क्या इश्यू है या क्या नहीं है, डायग्नोसिसन क्या है। हम चलते हैं एस्टर के पास। एस्टर, तलहा ने कहा कि स्किन हमारे लिए कितनी, तो आप उन तलहा को क्या जवाब देना चाहेंगी? तलहा को ये बोलूंगी कि मेल को करवाना चाहिए और इनका भी पूरा राइट है, और स्किन की जो अपनी ग्रूमिंग है, अपनी केयरिंग है, हर किसी को करनी चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। और सनब्लॉक के बगैर ना निकलें धूप में, जैसे आप लोग बाइक पे होते हैं या कहीं पे भी सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। हम लोग वही सभी वाली बात, किचन में भी जाते हैं तो कोशिश होती है कि सनब्लॉक लगा लें, अगर नहीं लगाएं जैसे हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाए हुए होते हैं तो सनब्लॉक लगा के, तो किचन में काम कर रहे होते हैं तो आप लोग भी सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, ट्रीटमेंट्स करवाएं। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे स्किन को हेल्दी रखने के लिए पीआरपी भी हैं, हाइड्राफेशियल्स हैं, और बहुत सारे मीजोज हैं, लेजर्स हैं, तो आप लोग आएं और करवाएं ट्रीटमेंट्स, जाएं अपने अच्छे। जो करीब है उधर जाएं, आते भी हैं मोस्टली मेल आजकल बहुत कॉन्शियस हुए हैं, व्हाइटनिंग इंजेक्शन बहुत अच्छे से लगवा रहे हैं,
और बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है क्योंकि व्हाइटनिंग इंजेक्शन का डार्क पिगमेंट के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गुड। अच्छा नोरी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बाइक पर हैं और अफसोस, इनको क्या थोड़ा बहुत सजेस्ट करते हैं मर्द हजरात को जो यंगस्ट हैं लोग, ऑफकोर्स ये जॉब भी करते हैं बाइक पर हैं या जो भी है उनका एक सिस्टम है, उनके होते हैं जैसे पोर्स ओपन ज्यादा हो जाते हैं बेचारे, उनको ये तो बेचारे मुंह धोने के अलावा तो कुछ करते ही नहीं, हम लोग तो फिर कुछ ना लगा लेते हैं, इनको कुछ परवाह ही नहीं होती, इनको बस एक ही होता है शेव करनी है और थोड़ा कुछ वो लगा लेते होंगे अपने लिए, बार-बार के पास जाके गलत क्रीमों से फेशियल करा लेते हैं। हां, ये मेन इनका स्किन जो है ना उसी की वजह से खराब होता है। ये ब्लीचिंग एजेंट ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल जो मेन सामान स्टेरॉइड यूज हो जाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा। क्या कहते हो? अच्छा, पहली चीज ये कि फेस वॉश करें अच्छी तरह रात को, एटलीस्ट जब ये जॉब पे से घर पे वापस जाएं तो एक उस वक्त जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हल्की क्लेंजिंग करके और थोड़ी देर जो है वो उसको रहने दें फेस पे, फेस के ऊपर ना, जैसा कोई रिकमेंडेड सोप है या रिकमेंडेड फेस वॉश है जो कि आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो लगा के थोड़ी देर छोड़ें ताकि उसमें जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब हो सके आपकी स्किन के अंदर। सेकेंड, रात को सोते हुए लाजमी, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, अपने फेस के ऊपर से हर चीज कोशिश करें डर्ट पूरा रिमूव कर दें। दूसरी चीज, अगर आपको जो सीरम रिकमेंड किया हुआ जैसे नायसिनामाइड सीरम होता है पोर्स के लिए, ठीक है, पोर्स को श्रिंक करता है, नायसिनामाइड सीरम जरूर इस्तेमाल करें अगर आपको कोई भी कंप्लेन ऐसी नहीं है। लड़कों को खास तौर पे कंप्लेन हो जाती है मलाजमा की, मलाजमा फ्रिकल्स लड़कों के बहुत होते हैं स्पेशली इस पार्ट पे, बिल्कुल उनका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है ना, तो सन ब्लॉक को लाजमी यूज करें। और अगर आपके बहुत एक्सटेंडिव जो है वो प्रॉब्लम हो गई है, पोर्स बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं, स्किन बहुत डैमेज हो रही है, लूज हो रही है, क्योंकि जब पोर्स ओपन होते हैं स्किन भी जो है वो हमारी लूज होना शुरू हो जाती है, अगर ऐसी कंप्लेन हो रही है, अब मलाजमा बहुत ज्यादा हो रहा है तो पीलिंग के सेशन जरूर लें, क्योंकि पीलिंग से आपका कोलेजन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, आपकी डेड लेयर रिमूव होती है और उसके बाद आप जो होम केयर दी जाए बराए मेहरबानी वो जरूर इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं हनी वन बाय वन आप लोगों से जाते जाते मैसेज की जगह आप अपनी फेसबुक बताएं ताकि लोग आपको ज्वाइन कर सकें, जिस तरह भी जो भी इजीएस्ट हो, आपका फेसबुक किस नाम से ताकि लोग अगर आपके पास आना चाहें। अच्छा, फेसबुक नहीं, मैं अपना इंस्टाग्राम का पेज बता देती हूँ, नजमुल क्लिनिक ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का क्लिनिक है, जिसने ज्वाइन करना हो वहाँ फॉलो नजमुल, नजमुल क्लिनिक ऑफिशियल, ओके, नजमुल क्लिनिक ऑफिशियल इनका है, आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके आपने अगर कुछ चेकअप करवाना है तो देन। एस्टर, आपका आपका किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक? हमारा इंस्टा भी है, पेज भी है न्यू लुक एस्थेटिक क्लिनिक के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है न्यू लुक के नाम से। ओके, न्यू लुक के नाम से आप इनको। जी मुबशरा, आप कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं? गूगल कर लें डॉक्टर मुबशरा खान, तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी और आपसे रब्ता भी हो जाएगा, एवरीथिंग, ऑल द क्लिनिक्स अराउंड द वर्ल्ड सब आ जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बहुत शुक्रिया आपका एस्टर, बहुत शुक्रिया नौरीन आपका, मुबशरा जी आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ पर जो एक डिस्कस करते हैं, अवेयरनेस देते हैं आपको, लेकिन अगर आपको जहाँ पर आप रिलायबल महसूस करें, आप अपने नियरेस्ट जहाँ जाना चाहें यू कैन गो, आप जा सकते हैं, लेकिन अपनी जो है स्किन को जितना आप जो छोड़ते जाएंगे उसको प्रॉब्लम में, जैसे वॉश नहीं किया आपने, अक्सर मैंने मर्दों को देखा घर जाते हैं उनको कोई परवाह नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल एक जाते ही अपने उस, क्योंकि बाहर मट्टी धूल गंदगी जर्म्स हमको लग जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को भी प्यार करते हैं, फिर हम लोग उसी तरह खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं, सबसे पहले जाएं आप अपने आप को क्लीन करें, चाहे वजू करें, मुंह धोएं, हाथ धोएं, पूरे अपने स्किन को क्लीन करें, कि आप जिस जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो चीज़ भी गंदी हो जाएगी और आपकी स्किन को भी प्रॉब्लम हो। कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं तकिया रखते हैं सो जाते हैं और कहते हैं यार एक ही बार धोएंगे, तो इससे क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट मैं क्लियर बताऊँ, आपके पोर्स ओपन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गंदगी जो है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगी। अब ये इस ड्यूरेशन को अगर जितना लॉन्ग करेंगे ना, कि आपने 3 साल 4 साल 5 साल तक इसके साथ इतना जुल्म किया, तो फिर आप उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए भी आपको 5 साल चाहिए हो जाएंगे। तो फिर आप इन चीज़ों को देख लें कि जितना उसको लेंदी करेंगे आपकी स्किन ही डिस्ट्रॉय होगी। आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद फिर एक ज़बरदस्त सेगमेंट है, यहाँ पर मैं लूँगी छोटी सी ब्रेक और मिलती हूँ ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।